जय हिंद साथियों, मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल के पोस्ट पर ईस्टर्न जोन में पोस्टेड हूं। सिक्योरिटी रीजन से मैं अपना एग्जैक्ट लोकेशन यहां पे शेयर नहीं कर पा रहा हूं। साथियों, वर्तमान समय में मेरी तैनाती अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है और यहां से बार बार घर की समस्या के समाधान के लिए छुट्टी आ पाना संभव नहीं हो पाता है। ये मेरी समस्या नहीं, किसी भी जवान की समस्या है, या यूं कहे कि यह समस्या नहीं है, यह उसका कर्तव्य ही है। साथियों, मैं बिहार मुजफ्फरपुर जिला के पताही नारायणपुर गांव का निवासी हूं। वहां पे एक छोटा सा मोहल्ला है रामचरित्र नगर, वहां पे मेरे बुजुर्ग माता पिता रहते हैं। मेरे पिताजी की आयु 70 वर्ष है, मेरी माता भी 60-65 वर्ष की बीच में है। उनके साथ मेरा छोटा भाई रहता है जो उनकी देखरेख करता है और उनकी सेवा करता है। पिछले कुछ दिनों से साथियों, मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार चल रही हैं। उनके हाथ पांव कमर पीठ सब में बहुत तेज दर्द है। दर्द का आलम यह है कि वो अभी करवट भी ठीक से नहीं बदल पाती हैं, चलना भी मुश्किल हो रखा है। पिताजी अपनी अवस्था के कारण कोई मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ज्यादा दूर तक नहीं चल पाते हैं। छोटा भाई जो कि काफी ही सीधा साधा है, जितना उससे सक्षम हो पाता है वो बारीक देखभाल करता है, जो अपने शरीर से हो पाता है वो माँ की सेवा भी करता है। लेकिन मेरी माँ को अभी सेवा के साथ साथ डॉक्टर के इलाज की भी जरूरत है। अब साथियों, प्रश्न यह उठता है कि इलाज कराने के लिए यह वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? तो ये मेरी लाचारी है। आज आलम यह है कि मैं अपनी माँ को इलाज कराने के लिए किसी नाते रिश्तेदार से भी आग्रह नहीं कर सकता। सामान्य दिन रहता तो कोई पड़ोसी भी आके इलाज कर देते हैं, जो संभव होता है वो मदद करते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि मेरे मोहल्ला में 3 से 4 फीट पानी भरा है, सड़क नाला खेत खलिहान सब एक बराबर है। पानी निकासी का कोई उपाय अभी तक वहां पे नहीं हो पाया है। कोई गाड़ी या एम्बुलेंस या डॉक्टर या कोई भी नाता रिश्तेदार जो चाहे भी कि वो मेरी मदद करना कर सके तो मेरे घर तक नहीं जा सकता। और ये समस्या केवल मेरे घर की नहीं है, पूरे मोहल्ले की हो गई है। किसी के घर में बाहर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? एक फौजी जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अपने मातृभूमि की रक्षा कर रहा है, वो अपने जन्म देने वाली माता को तड़पता हुआ छोड़ दे, नहीं चाहते हुए भी ये वीडियो आज मैं बना रहा हूं। सुना है सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ताकत है, लोगों का मदद भी होता है, शायद यही एक आशा मेरे पास है, इसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास आ रहा हूं। कई हुक्मरान वहां पे मोहल्ला में गए भी थे, सुना है शासन प्रशासन के लोग भी गए थे, लेकिन सबने मोहल्ला वासियों के इस परिस्थिति पर अफसोस जताकर तथा कुछ उचित कार्रवाई करेंगे इस तरीके का आश्वासन देकर उन्होंने अपने जिम्मेवारी का निर्वहन कर लिया है। सब कुछ हो गया है, नहीं हुआ तो केवल यह कि पानी बाहर नहीं जा सका। वो जहां है वहीं है और वो सरकर हमारे सरे गले सिस्टम को वहां पे उनका पोल खोल रहा है। पानी आ तो रहा है पर जाए कहां? मोहल्ला वाले चाह कर भी अकेले ही समस्या का समाधान नहीं कर सकते। जब तक इसमें प्रशासन इन्वॉल्व नहीं होगा और उनकी मदद नहीं की जाएगी, हर कोई विवश है। और इसी विवशता में आज मेरी माँ भी लाचार है। सब कुछ होते हुए, सारे नाते रिश्तेदार परिवार होते हुए भी एक डॉक्टर तक मुहैया उसको नहीं कराया जा सकता। साथियों, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो इस पूरे का जिम्मेवार वहां का सिस्टम होगा। वो हुक्मरान होंगे जिनके ऊपर एक आम नागरिक के समस्या को दूर करने की जिम्मेवारी होती है। साथियों, जब भी कोई अपने क्षेत्र से कोई नेता चुनाव जीतता है या फिर उसे कोई मंत्री का पद मिलता है, तो हम सभी चाहे दूर दूर ही क्यों न बैठे हों, खुश होते हैं कि चलो हमारे क्षेत्र से कोई ऊंचे पद पे गया है।
ऐसे ही मेरी माँ भी खुश हुई थी, कहती थी कि चलो अपने क्षेत्र का एक नेताजी मंत्री बने हैं, अब रोड भी बनेगा, नाला भी बनेगा और अगले साल से शायद पानी की समस्या नहीं होगी। पर उस पगली को क्या पता था कि नेताजी एक बार पद मिल गए तो तुमसे मिलने नहीं आएंगे, और न ही रोड बनेगा न नाला बनेगा। ऐसा ही हुआ, न रोड बना न नाला बना, पानी वैसे ही सड़कों पे सर कर वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। मित्रों, जब जब 15 अगस्त 26 जनवरी का दिन आता है तो पूरे देश में देशभक्ति गाने के साथ शहीदों को नमन किया जाता है, फौजी भाइयों के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही जाती है। हमारे देश में एक बड़ा अच्छा प्रचलन है कि जब कोई शहीद हो जाए तो उसके नाम पे कुछ कैंडल जला लो, मोमबत्ती जला लो, मीडिया के सामने कुछ छोटी छोटी बाइट दे दो और जय हिंद जय भारत का नारा लगाकर कल से भूल जाओ। पर हम जैसे फौजियों का क्या जो जीते जी अपनी पहचान के लिए तरस रहे हैं। मैं एक फौजी हूं, मेरी पहचान किसी बड़े डॉक्टर से, बड़े लोगों से नहीं हो सकती। समाज में हमारा रहना बहुत कम होता है, हम जहां तैनात होते हैं वहां सही टेलीफोन लाइन भी नहीं होता कि हम समाज के लोगों से जुड़ सके। ये हमारी मजबूरी है, लेकिन हमारी इस मजबूरी का फल हमारे परिवार को न मिले। आज मेरी माँ इलाज के लिए तरस रही है। सुना है कई एनजीओ जो अच्छे काम करने के लिए जानी जाती हैं। अगर ये वीडियो किसी माध्यम से उन तक पहुंचता है तो आप सभी से मेरा ये विनती है कि कोई अच्छे डॉक्टर, कोई अच्छे वॉलंटियर या ब्लड टेस्ट करने वाले, जो लोग, जो भी पॉसिबल हो, अगर वो गंदे पानी में घुसकर कुछ करना चाहते हैं तो कृपया आप सभी मेरी माँ तक मदद पहुंचाएं, उनका इलाज कराएं। मैं आप सभी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आप जन्म देने वाली मेरी माँ की रक्षा करिए, और मैं इस मातृभूमि की रक्षा जैसे पहले से करता रहा हूं वैसे ही करता रहूंगा। हमें मातृभूमि की रक्षा के लिए हम एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हमें अपनी जान देनी या दुश्मन की जान लेनी होगी, तो फिर मेरी माँ की रक्षा की जिम्मेवारी भी आप सभी को लेनी होगी। मैं मजबूर हूं, मैं अभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो वहां लोग बैठे हैं वो मजबूर नहीं है। आप सभी से मेरी विनती है, एक आग्रह है कि मेरी माँ को प्लीज जो भी हो सके जल्द से जल्द इलाज दें। साथियों, जब हम भर्ती हुए थे तो हमें कहा जाता है कि एक फौजी साधारण इंसान नहीं होता, एक फौजी फौलादी होता है, और उसे अपने निजी सुख और दुख में भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। ये सही है साथियों, मैं अपने निजी दुख के कारण रो नहीं सकता क्योंकि मैं एक फौजी हूं, लेकिन मेरा एक और परिचय है। मैं एक माँ का बेटा भी हूं, जिस माँ ने मुझे अपने गर्भ में रखा, इतने कष्ट से पाला। आज जब उसे, उसके कष्ट को दूर करने की जिम्मेवारी है मेरी, तो मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए यहां तैनात हूं। कैसे इस मन को समझाऊं कि तू मत रो, मैं आंसू तो नहीं गिरा सकता, मैं रो नहीं सकता क्योंकि इस वर्दी पे आंसू शोभा नहीं देता, लेकिन इस हृदय में जो दर्द की तूफान उठ रही है उसे मैं कैसे समझाऊं, उसे क्या कहूं। खैर साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ कि इस वीडियो के माध्यम से मेरी माँ को इलाज पहुंचेगा, और अगर ये वीडियो हुक्मरानों तक पहुंचता है, शासन प्रशासन तक पहुंचता है, तो जल्द से जल्द मोहल्ला से, उस एरिया से पानी निकालने की उचित कार्रवाई करेंगे। अगर उनके अंदर एक फौजी के प्रति थोड़ी भी इज्जत की भावना है तो जल्द से जल्द उस मोहल्ला का भ्रमण करेंगे। हालांकि भ्रमण उन्होंने पहले भी किया है, एक बार फिर से भ्रमण करने का कष्ट करेंगे, और इस बार पानी निकालने की भी व्यवस्था करेंगे, आश्वासन केवल नहीं देंगे। इन्हीं आशा के साथ कि मेरी माँ का इलाज भी होगा और वहां का पानी भी निकलेगा, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे इस वीडियो को आप सभी ने पूरा सुना। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मेरी माँ तक इलाज पहुंचेगा। जय हिंद जय भारत।